अपनी टिप्पणियों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज चितरंजन दास, जिन्होंने 20 मई 2024 को अपने रिटायरमेंट फेयरवेल में खुलकर कहा था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं और उनकी जड़ें आरएसएस से जुड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि संघ अगर उन्हें किसी काम के लिए दोबारा बुलाता है जिसमें वो सक्षम हैं तो वो ज़रूर जाएंगे। इस बयान के बाद वो काफ़ी सुर्खियों में आए थे। हम आपको ये टिप्पणी इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हाल ही में वारंट बेंच को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस चितरंजन दास ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, आरएसएस, खुद के न्यायिक फैसले और राजनीति में जजों के शामिल होने पर खुलकर बात की है। सवाल था, जैसा कि उन्होंने अपने फेयरवेल के स्पीच में कहा कि बचपन से ही वो आरएसएस के एक्टिव मेंबर थे, इस संगठन के साथ जुड़ाव से उन्होंने क्या सीखा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में कई गलत फहमियाँ हैं। संगठन के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं फिर भी इसे अछूत संगठन माना जाता है। आरएसएस कभी भी किसी व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित नहीं करता है जैसा कि कई लोग आरोप लगाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनली इसे एक्सपीरियंस किया है। आरएसएस मानसिक और शारीरिक तौर पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है। ये आपको बेहतर नागरिक बनना सिखाता है। ये सिखाता है कि आप जहाँ भी हों आपको राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, चाहे आप प्रधानमंत्री हों, कलेक्टर हों, जज हों या टीचर, आपको राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। यही आरएसएस की एकमात्र विचारधारा है। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस मूल रूप से एक मशीनरी संगठन है और कभी भी क्रांतिकारी संगठन नहीं रहा है, लेकिन एक नैरेटिव है कि आरएसएस अछूत है। इतिहास बताता है कि इंदिरा गांधी ने भी कभी आरएसएस से मदद मांगी थी। चीन युद्ध के दौरान भी आरएसएस ने राहत बचाव का काम किया था। ये बातें कभी नागरिकों को नहीं बताई जाती। संगठन सिखाता है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हों तो उसे एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह करें और अपने काम और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, लेकिन आए दिन इसके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। लोग आरएसएस के बारे में गलत आंकड़े देकर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं जिससे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। जस्टिस चितरंजन दास से सवाल किया गया, क्या राजनीतिक विचारधारा से जुड़े जज अपने फैसलों में न्यूट्रल हो सकते हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस का पूर्व सदस्य होने के बावजूद मेरा काम संगठन की विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ। जज बनने के बाद मैं केवल भारत के संविधान और कानून के प्रति प्रतिबद्ध था। आप मेरे फैसलों को देख सकते हैं। आरएसएस आपको कभी भी लेफ्ट और राइट में रहने का उपदेश नहीं देता। आरएसएस के कई लोगों का झुकाव वामपंथ की तरफ है और वास्तव में कई लोग अब तो कांग्रेस में भी हैं। आरएसएस के बारे में जस्टिस चितरंजन की राय जानने के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या रिटायरमेंट के बाद वो आरएसएस ज्वाइन करेंगे, तब उन्होंने बताया कि आरएसएस सदस्यता के लिए रसीद जैसा कुछ नहीं है। मैं मूल रूप से किसान हूँ, मुझे अपने मूल स्थान के लिए बहुत काम करना है जो अभी विकसित नहीं है। अगर संगठन मुझे कोई मौका देता है, काम देता है, या सरकार मुझे किसी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनने का कोई प्रस्ताव देती है तो मैं इस पर विचार करूँगा, लेकिन मैं इसके लिए आवेदन नहीं करूँगा। इससे पहले 5 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस पर जब उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि जजों को इस तरह राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने न्यायिक जीवन अपनाया है तो आपको न्यायिक अनुशासन भी अपनाना होगा। यहाँ तक कि आरएसएस भी उपदेश देता है कि अगर आपने कोई विशेष पोशाक पहनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस पोशाक को कैसे बनाए रखना है। बीजेपी में शामिल होना उनकी पसंद थी, इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक जज को राजनीति में आने का माहौल बनाने के लिए अपनी कुर्सी को आधार नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई जज राजनीति में शामिल होना चाहता है तो उसे राजनीतिक मामलों की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। चलते चलते आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी की थी। कहा था कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए, वे 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नज़रों में गिर जाती हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर खुद सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के इस फैसले में कई हिस्से अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित हैं। बेंच ने कहा कि जज से उम्मीद नहीं की जाती है कि वो फैसला सुनाते वक्त अपने विचार व्यक्त करे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।